हरियाणा की तरफ से हेड हैं तो हम इनको मानते हैं, कोई दूसरा ज़बरदस्ती बन रहा है उसको हेड नहीं मानते हैं, उसको तो हम कहीं मानते ही नहीं। अधिकारियों ने हमारे कंधे पर बंदूक रखी, हमारा संख्या बल इस्तेमाल किया, सरकार को गुमराह किया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। सर के बारे में वो एक कहावत है, रही मन हांडी काठ की चढ़े ना दूजे बार, तो ये एक बार हांडी जो चढ़ चुकी है उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे और ना करेंगे, कहते हैं ना। लेकिन इनके साथ में ऐसा क्यों व्यवहार किया इन लोगों ने, मेरी ये नहीं समझ में आ रही है। मोदी सरकार ने सबके लिए एक बात करी थी तो हमारे को अलग क्यों रखा गया। आपका जो काम है वो करो, संगठन खासकर इकट्ठा करने से काम नहीं होता है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा आपकी कहाँ गलती है। चाहे मोदी जी की है चाहे स्टाफ की है इसको हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जो देना है वो दो, खत्म करो। सत्येंद्र जी को आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, लगातार हम इनके विचार जो हैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। और सत्येंद्र जी, आज किस तरह से जो है अपनी ये एकजुट होने की बात चल रही है? ये डागी साहब का फ़ोन आया था, डागी साहब के साथ आए हम उनका समर्थन करने के लिए, और हमारे बहुत साथी जो है जल्दी जो है बहुत बड़ी संख्या में इनके साथ आएंगे। बड़ी संख्या में इनके साथ मतलब? हाँ, अब उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में इनके साथ आएंगे। तो क्या होगा बड़ी संख्या में, मतलब बड़ी संख्या में जब ये मतलब हरियाणा की तरफ से हेड हैं तो हम इनको मानते हैं, कोई दूसरा ज़बरदस्ती बन रहा है उसको हेड नहीं मानते हैं, उसको तो हम कहीं मानते ही नहीं। उसके जो हम चले गए थे उसकी गंदी भाषा की वजह से, जो उसका मतलब मानसिक संतुलन जो है ख़राब है, उस वजह से हम निकल गए थे। और अब दोबारा फिर जुड़ोगे? हाँ, जुड़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारा काम है ये, हम सबका काम है, हम सब पूर्व सैनिक भाइयों का काम है। अधिकारियों ने हमारे कंधे पर बंदूक रखी, हमारा संख्या बल इस्तेमाल किया, सरकार को गुमराह किया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। तो हम अधिकारियों की बार बार आप कर रहे हो, हम कैसे उनसे, हमारा ना दिल मिल सकता है और ना विचार मिल सकते हैं, कुछ भी नहीं मिल सकता। उन्होंने बहुत धोखा कर लिया, एक बार नहीं बार बार धोखा करते आ रहे हैं, वो 73 से ही धोखा करते आ रहे हैं, हर बार धोखा कर रहे हैं। अभी आपको पता है 2 दिन पहले सतबीर जी भी यहाँ पर बैठे थे? नहीं, मेरे को नहीं मालूम है, मैं नहीं आया उस दिन के बाद। आपको पता है यहाँ पे सतबीर जी यहाँ पे बैठे थे? मैं आपको ये बताऊँ कि जो पहले भी बता दिया है, अफसर के बारे में वो एक कहावत है, रही मन हांडी काठ की चढ़े ना दूजे बार, तो ये एक बार हांडी जो चढ़ चुकी है उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे और ना करेंगे। उसके अलावा जो हमारे डांगी साहब हैं, जिस बारे में बात चल रही है, हम इकट्ठा हो रहे हैं, वो है कि हमने हरियाणा का 9 अप्रैल को जो अध्यक्ष हरियाणा की तरफ से चुना था, डांगी साहब को चुना था, अगर कोई निर्णय लिए जा रहे हैं तो उनको भी उस मीटिंग में शामिल होना चाहिए, और जो बाकी हैं, लेकिन अपने आप ही निर्णय लिए जा रहे हैं तो ये मैटर हैं, बाकी कोई मैटर नहीं है, तो इन्हीं पे हम विचार कर रहे हैं। बाकी आपको जी, क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम इंदिरा है, मैं दिल्ली से हूँ। सभी भाई भाई है, जो फौजियों के साथ में हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। क्यों? देखो सरहद पे आपने देखा होगा एक जवान क्या करता है क्या नहीं करता है, एक अफसर क्या करते हैं क्या नहीं करते, सबको पता है। लेकिन हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ? हमारे फौजी भाई आप जानते हो कितनी दूर तक जाना चाहे तो जाते हैं ना। लेकिन इनके साथ में ऐसा क्यों व्यवहार किया इन लोगों ने, मेरी ये नहीं समझ में आ रही है। मोदी सरकार ने सबके लिए एक बात करी थी तो हमारे को अलग क्यों रखा गया? किस तरह से अलग रखा, क्या अलग? वन रैंक वन पेंशन में हमें क्या मिला ये हम बोलते हैं, फौजियों भाई को क्या मिला है? एक भाई इतना परेशान होके यहाँ बैठने के लिए तैयार हुआ, क्यों हुआ? पूरे विश्व में नहीं होता है कोई फौजी ऐसा धरना लगाया हो, ये इंडिया में हुआ, अच्छी बात है, ये होना चाहिए ऐसा, क्यों नहीं मान रहे हैं लोग अभी तक? इतने भाई दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ तो होगा, आप कुछ सोल्यूशन निकालो, रिविजन करो, आप क्या कहाँ गलती है, किसने करी गलती, फिर उसका जवाब दो। ऐसा क्यों आगे आगे बढ़ा रहे हो, काम खत्म करो। मोदी जी ने बोला था सबका साथ सबका विकास, बोला अभी भी बोल रहे हैं, सारे साथ में हैं तो फिर अलग क्यों किया? कह रहे हैं ना फौजी भाई हमें अलग क्यों किया, जो भी मिलना है जो देना है दे के खत्म करो। पूर्व सैनिक जो हैं 28 लाख हैं, कितने हैं आप देखो उनकी वजह से, लेकिन अभी भी 28 लाख पूर्व सैनिकों में से मुझे कभी भी 50,000 भी पूर्व सैनिक नजर नहीं आए। शायद यही बात मोदी जी सोचते हो कि इनके साथ संख्या बल है नहीं, क्या कुछ एक फौजी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं? अरे संख्या से क्या लेना है, आपने आपका वर्क है आप करो,
जो है डिमांड, जरूरी नहीं है कि सारे इकट्ठे हो जाए, एक में से 10 में से 2 आ जाएंगे तो भी आ जाएंगे, किसी की कोई प्रॉब्लम होगी किसी की कोई प्रॉब्लम होगी। आपका जो काम है वो करो, संगठन खासकर इकट्ठा करने से काम नहीं होता है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा आपकी कहाँ गलती है, चाहे मोदी जी की है चाहे स्टाफ की है, इसको हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जो देना है वो दो, खत्म करो बात बस। लेकिन मोदी जी हमेशा जो है ये बताते हैं कि मैंने जो है जवानों के लिए पूरे चीज की है रक्षा, तो फिर ये कोई ये घर से खाली है जो यहाँ के बैठेंगे? आप ये बताओ, इतने सालों से देख रहे हो आप, जब ये सतबीर जी थे तब भी हम लोग आए थे, हमें तो पता ही नहीं चला क्या करके चले गए, क्यों क्या हुआ हम लोगों तो, ये क्यों आए हैं ये आप सोचो, पता क्यों नहीं लगा, क्या कैसे पता लगेगा जब हमारा रिजल्ट आया, जब पता चला कि ये क्या हुआ, हमारे पास रिजल्ट आया कि हमें क्या मिला उन्हें क्या मिला, उसके बाद पता चला, इससे पहले पता ही नहीं चला। तो आज भी बैठे अपने धरने तो हमारे को कोई काम ही नहीं आ रहे हो, कहाँ काम आएगा, हमारे साथ आए क्या करके गए, जो डिसीजन जो हम लोग इतने सब जगह से आए हैं, सारे लोग यहाँ पे हैं, कभी उन्होंने आके पूछा भाई क्या बात है, पहलवान जी से बात करी चाहे इनसे करी चाहे हमसे करी किसी से भी करी, कभी भी उन्होंने ये बोला कि क्या प्रॉब्लम है, वो तो अपने फ्री हो गए, काम हो गया उनका, बात खत्म। हम किसी अफसर का नाम नहीं ले रहे हैं, ना हमें किसी अफसर से कोई दुश्मनी है, हमारे जवानों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। अभी दो दिन पहले भी वो यहाँ पर बैठ के गए, अपनी बात रख के गए कि ORP 2 के लिए, मैं ORP के लिए लड़ रहा हूं। तो क्यों नहीं कर रहे हो, फिर करो ना, फिर करो, जब हाथ में आएगा, जब क्या किया दिखाई देगा, ऐसे बात करने से तो बात नहीं होती है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जितने भी संगठन हैं, अगर हम सब उनके साथ मिल करके या उनको अपने साथ मिला, उनको हमें मिलाना चाहिए था जिस टाइम पे ये अपना काम कर रहे थे, जो अपनी बात उन्होंने कर ली, जो लेके चले गए उसके बाद नजर नहीं आए, उनको तब कहना चाहिए था, नजर तो आता है यहाँ पे, तो हमारा काम तो नहीं हुआ ना जी। ये सोचो ना आप, ये भाई लोग क्यों आए हैं, ये फौजी क्यों आए हैं, कोई कहाँ सरहद पे बैठा है, आपने कोरोना में देखा था ना किसने काम किया, फौजियों ने काम किया ना, किया ना, एक जवान के हाथ आप देखो क्या हो रहा है, बच्चे वहाँ कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहता है, इतनी इतनी सर्दियों के अंदर में वो कितना काम करते हैं, और उनके साथ में क्या हुआ। अब 30 मई को आप लोग क्या बड़ा करने वाले, क्योंकि आप लोग लगातार कॉल देते हैं, समय बताएगा क्या होगा। कभी आगे आगवानी होती नहीं है, गट्ठे होंगे सारे, सब जगह से सबको आ रहा है, आना भी चाहिए, कितने फौजी हैं अभी, बहुत ऐसे फौजी हैं जो काम कर सकते हैं, उनको काम दो, हिंदुस्तान में काम की कमी है क्या, अब फौजी कहीं ऐसे रिटायर्ड मैन जो अभी भी 10 साल काम कर सकते हैं, उनको कुछ रोजगार दो, अच्छा उनको काम पे लो, वो भी नहीं कर रहे हैं, कितने हजार सैनिक ऐसे घूम रहे हैं रिटायर्ड के बाद में जो कर सकते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ उनको रखो। देखो 30 तारीख के लिए दिल्ली वेटरन्स डिसाइड करेगी कि दिल्ली वालों के लिए क्या करना है, वो सारा हमारे जो हरियाणा से भी आए हुए सबसे डिस्कस करके 30 तारीख हम डिसीजन लेके और करेंगे। दूसरा, आपने कहा कभी 50,000 आदमी नज़र नहीं आए यहाँ, उसका एक सीधा सवाल ये है, जवाब ये है, आपने 10-12 हज़ार आदमी देखे हैं 20 तारीख को, उससे ज़्यादा ही थे, 12,000 को 18 से गुणा करो तो कितने हो गए, एक एक्सरसाइजमैन पीछे 18 आदमी होते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आज तक का सर्वे कह रहा है। ठीक है, एक और ये ORP की जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी कोश्यारी जी की, वो बनी थी कि भाई जो शॉर्ट टर्म सर्विस करके आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 15 साल 8 महीने की उम्र में भर्ती हो गया था एज ए नेवी बॉय, और जब मैं 32 साल का था तो मैं पेंशन आ गया था 32 साल के बाद, ये तो चलो मेरा अपना ये क्वालिफिकेशन थी, एक वो था, मैं गवर्नमेंट ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन की या और कोई बिजनेस किया, अपने दम पे किया। इन लोगों की रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में होती है, दिस थिंग वाज नॉट मेंट फॉर ऑफिसर्स, ORP वाज ओनली फॉर जवान्स, क्योंकि सेना, किसी भी देश की सेना बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये जवान रखते हैं। हमारे अंदर भी ये PMR चिल्ला रहे हैं, क्या ये किसी को PMR घोषित कर सकते हैं, जब एक आदमी का बॉन्ड 10 साल का भरवाते थे, ये उसने 10 साल पूरा कर दिया तो PMR कहाँ हुई, ये कंप्लीटेड इज सर्विस, ये अननेसरी की ऐसे ऐसे डाल रहे हैं, और ऊपर से बोले मेरे जवान को ये, मेरे जवान को वो, ये जवान के सारे पैसे आप खा गए, अब इसलिए जवान को भरोसा नहीं है इन पर, नहीं आप भी अगर चाहते तो ये बोलते भी देखो आप लोग छूट गए हो, आओ हम आपका साथ देंगे, फिर साथ देने कोई नहीं है। जो पहले आप संख्या बल की बात कर रहे हो, जब ये